चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैं धो के साफ़ कर ली हूँ। अब इसमें इसको सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें दही डालते हैं, देखिए दही, 4 चम्मच दही डालें। अब इसमें मैं लाल मिर्च, लहसुन और आदी का पेस्ट तैयार कर ली हूँ, वो डाल दे रही हूँ सबसे पहले। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दी, नमक, ये लाल मिर्च है इसको डाल दे रही हूँ, सबको मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है, एक कश्मीरी लाल मिर्च है, क्योंकि मैं लाल मिर्च का एक पेस्ट तैयार कर ली हूँ, अब कश्मीरी लाल मिर्च से कलर के लिए डाल रही हूँ। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ गया। अब इसको मैं अच्छा से मिक्स कर ली हूँ और 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। देखिए इससे क्या होगा कि जो भी मसाला है चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब एक पैन में मैं ज़्यादा रिफाइंड नहीं डाली हूँ, 4 चम्मच डाली हूँ। अब उसमें मैं चिकन का फ्राई कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि इसका जो मसाला का कोटिंग है अच्छे से चिकन में चिपक जाएगा। देखिए मेरा चिकन तैयार हो गया है, अब इसको निकाल ले रही हूँ क्योंकि मुझे चिकन इतना ही पकाना है। देखिए मेरा दोबारा मैं पैन चढ़ाई हूँ, उसमें ये रिफाइंड डाल दी हूँ, ये तेज़पत्ता डाल दी। अब मैं ये ओनियन का पेस्ट डाली हूँ, बड़े साइज के 4 ओनियन हैं, इसको मैं पेस्ट तैयार कर ली। देखिए मेरा प्याज कच्चा है इसलिए इसको मैं अच्छे से इसको फ्राई करना है। देखिए मेरा प्याज भून गया है, अब मैं इसमें एक टमाटर है, 3 टमाटर मीडियम साइज़ का, इसका पेस्ट मैं तैयार कर ली हूँ क्योंकि कढ़ाई चिकन में टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए टमाटर के साथ अब मैं ये पिसा मसाला जो मैं तैयार की हूँ, लाल मिर्च है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये सबको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी का मात्रा थोड़ा कम पड़ेगा। ये कढ़ाई चिकन मसाला है, ये धनिया पाउडर, ये भी 1 चम्मच, जीरा पाउडर, ये भी 1 चम्मच, एक कश्मीरी लाल मिर्च है इससे इसका कलर आएगा, ये भी 1 चम्मच डालूँ मैं, नमक स्वाद अनुसार जितना पसंद करते हैं। अब सबको मैं मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए मेरा मसाला भून गया है, अब मैं चिकन देखिए मेरा इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाली हूँ, हल्का सा, इससे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें मैं ये प्याज इस तरह से कट करके रखी हूँ उसको डाली हूँ, और ये शिमला मिर्च, इसको मिक्स करके। देखिए कसूरी मेथी इसको भी डाल दे रही हूँ। मैं घी डाल रही हूँ, ये गरम मसाला भी 1 चम्मच गरम, इसको मिक्स कर देना है। मेरा चिकन पहले ही अच्छे से तैयार हो गया था। बस इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी।
देखिए मेरा चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। अब मैं इसको गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा कढ़ाई चिकन बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है। और कढ़ाई चिकन है तो मैं इसको कढ़ाई में ये सर्व की हूँ। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा।